मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो सब मिलके उसको 100 थप्पड़ मारो, ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह के। सोचिए किस तरीके से बीजेपी में मौजूदा तमाम नेता अभिनेता प्रवक्ता जब जब चुनाव सर पर आता है किस तरीके से विवादित बयान देते हैं और टीवी अखबार जो है इनकी छवि को इस तरीके से हमारे सामने परोसने का काम करता है जैसे इन्होंने कोई तीर मार दिया हो। सरेआम मंच से कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होकर थप्पड़ मारने का काम करिए, इनको कौन डरा रहा है? असली बात तो ये है कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है ये आपके बच्चों को देश के युवाओं को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि युवा अगर अपने लिए रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, भर्ती की बात करेगा, नियुक्ति पत्र की मांग करेगा तो ये तमाम लोगों के चेहरे जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। बीजेपी लगातार किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है ये तो तमाम लोग जानते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम लीडरों को पहचानिए, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, हेमंत बिस्वा सरमा की बात करें और गिरिराज सिंह की बात करें, इसके साथ साथ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार विवादित बयान के साथ साथ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। सोचिए जब बीजेपी के नेताओं की भाषा ऐसी होगी उसमें जनता के लिए इंसाफ, जनता के लिए रोजगार, जनता के लिए नौकरी, जनता के लिए विकास जैसे कुछ आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? सोचिए किस तरीके से आज़ादी के 76 साल बाद भी उनको द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और कैसे हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर बीजेपी जो है वो मुसलमानों के प्रति नफरत बांटने की कोशिश करती है। हरियाणा की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मुस्लिम युवक को इस तरीके से भीड़ मार देती है कि वो मांस खाते हैं, बाद में पता चलता है फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कि वो गौ मांस था ही नहीं। अब सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से गिरिराज सिंह का ये बयान है अब लगता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, अपने घरों में तलवार भाला त्रिशूल रखना शुरू कर दो। आप लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों की लिस्ट उठा के देखेंगे तो कहाँ पढ़ते हैं उनके बच्चे? अमेरिका, लंदन, कनाडा, और आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? त्रिशूल भाला तलवार लेके हिंदुत्व बचाने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपराध करने लगते हैं और सोचिए उन्हें जीवन भर जेल में बैठकर चक्की पीसना होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जिस यूथ को कमाना चाहिए, जिस यूथ को पढ़ना लिखना चाहिए, जिस यूथ को देश के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए वो धर्म की आड़ में, धर्म की चादर ओढ़कर अंधा हुआ पड़ा है और कैसे धर्म बचाने के लिए अपने पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है, मुसलमानों का दुश्मन बन जाता है, दलितों का दुश्मन बन जाता है, आदिवासियों का दुश्मन बन जाता है और कैसे सड़कों पर धर्म का पट्टा बांधकर वो गलत काम करने लगता है। ना आपके बच्चों को बचाने के लिए ना केंद्र मंत्री आएंगे, ना प्रधानमंत्री आएंगे और ना ही गृह मंत्री आएंगे, लेकिन सोचिए आपका बच्चा जो है इन तमाम लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, इन तमाम लोगों से प्रभावित होकर कैसे गलत काम करने लगता है। भराइच घटना में क्या हुआ? आग लगाने वाले सवर्ण जाति के सारे दोष मुसलमानों को दिया जा रहा था, बेकसूर गरीब मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। सोचिए गाड़ियां जला दी गईं, ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान दंगे होते हैं जो सिर्फ नेता अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कराते हैं और अब तो हद हो गई। गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप पलट कर वो भी इकट्ठा होकर 100 थप्पड़ मारिए, घरों में तलवार भाला और त्रिशूल रखिए। ये किस ओर चेतावनी है? किसको ललकारने का काम करें, किसको धमकाने का काम करें, किसको डराने का काम करें? शायद ये भूल गए हैं कि जनता के वोट से ये एक पावर पद पर पहुंचे हैं और अपनी गरिमा में रहकर इनको संवैधानिक अधिकारों की बात करनी चाहिए, वरना जनता तो अपना हिसाब लेना जानती है कि वोट से चोट कैसे करनी है। ये भाजपा को उत्तर प्रदेश में पता चल गया, भाजपा को अयोध्या में पता चल गया कि समय आने पर आपका धर्म का कार्ड भी काम नहीं आता है। जिनको
सके कि भाजपा गुंडे और लफंगों की पार्टी है, वो एक बार इस वीडियो को जरूर सुने। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। तो सुना आपने, ये गिरिराज सिंह की भाषा है, ये केंद्र मंत्री हैं। सोचिए, एक लफंगे गुंडे की तरह, झोला छाप व्यक्ति की तरह किस तरीके से मंचों से आम मर्यादित भाषा बोल रहे हैं, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि वो इन तमाम मुद्दों पर सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि उनको तो मसाला चाहिए, उनको तो टीआरपी बढ़ाने का कंटेंट चाहिए। सोचिए कैसे अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कैसे मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अपने आप को हिंदू कहने वाले, एक बात बताओ, उस भीड़ में गिरिराज सिंह का बेटा होगा? आप बताइए, त्रिशूल चलाने वाला क्या नेताओं के बच्चे होते हैं? जेल जाने वाले क्या नेताओं के बच्चे होते हैं? हिंदू मुसलमान के दंगे में क्या नेताओं के बच्चे होते हैं? अरे अमित शाह का बेटा, जिस हिंदू मुसलमान के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, अरब देश के लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी डील करते हैं, बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ही पड़ोसी के साथ लड़ाई करने में माहिर हैं, क्योंकि उन नेताओं को पता है कि आपको कोई लेना देना नहीं है, अपनी शिक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं है, विकास से आपको कोई लेना देना नहीं है, नौकरियों से आपको कोई लेना देना नहीं है, देश के विकास से आपको कोई लेना देना नहीं है, इस राष्ट्र को सुरक्षित मजबूत करने से, क्योंकि ये जो लोग हिंदू राष्ट्र का रोना रो रहे हैं, असल में वो लोग खोखले हैं, असल में वो लोग डरे हुए हैं, और वो सबसे डरपोक लोग हैं जो कि मुसलमानों को टारगेट कर लोगों के मन में डर बिठाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग गिरिराज सिंह को लेकर बड़ी थू थू कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बीजेपी के केंद्र मंत्री एक्सपोज हो गए हैं। यही बात अगर कोई मुसलमान व्यक्ति कह देता तो कई साल तक जेल में रहेगा। भारत में न्याय अब न्यूट्रल नहीं रहा। सोचिए किस तरीके से एक देश में दो कानून लागू होते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति, सरजील इमाम जैसे लोग संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो उनको किस तरीके से जमानत की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाता है, वहीं ऐसे दंगाई भाषा बोलने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, यही कोई गलती से अगर दलित व्यक्ति होता, यही कोई आदिवासी व्यक्ति होता, तो सोचिए टीवी अखबार में बैठे पत्रकार छाती पीटने लगते हैं। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। अपने घरों में तलवार भाला त्रिशूल रखना शुरू करो। गिरिराज ओके, लेकिन अब कोई जाति के नाम पर मारपीट करे तो क्या करना चाहिए, वो भी बता दीजिए। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये मंच पर चढ़े थे, बैनर के पीछे लिखा था हिंदुओं एकजुट हो जाइए। किस लिए एकजुट होना है आपको? जातीय जनगणना की बात कीजिए, भागीदारी की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोटी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, नियुक्ति पत्र की मांग कीजिए, देश को कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इस पर बात कीजिए। लेकिन बीजेपी के लोगों के पास हिंदू कार्ड के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। असल में भाजपा सरकार पूरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पुलिस ने किसी भी अधिकारी ने अगर माई का लाल दूध पिया है तो इस दंगाई सांसद को घसीटते हुए जेल लेकर जाएगा। तो इनकी भाषा पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन नेता के तौर पर क्या एक इंसान के तौर पर भी ऐसी मानसिकता, ऐसी भाषा बोलना एक कानूनन अपराध है। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उससे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, ऐसा कहना गिरिराज का कहना है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, क्या बीजेपी संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती? क्या बीजेपी के नेताओं का काम देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक अराजकता फैलाना हो गया है? क्या बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयानबाजी पर कोई कार्रवाई नहीं होता? ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं बल्कि दंगा भड़काऊ यात्रा निकाल रहे हैं। बस बयान किसी छोटे आदमी का नहीं बल्कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह को हंसराज मीना लिखते हैं, गिरिराज सिंह का मुसलमान के खिलाफ ये बयान न केवल भड़काऊ है बल्कि संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला भी है। इस प्रकार की भाषा विचारधारा समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक है। इस असामाजिक तत्व का स्थान संसद में नहीं जेल में है। तो सोचिए कैसे दंगाई
जातिवादी धर्म के नाम पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जगह संसद नहीं जेल होनी चाहिए। मुसलमानों से नफरत करें, STSC OBC को भड़काने का काम करें, क्योंकि उनको पता है कि सवर्ण समाज के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी पदों पर नौकरी करते हैं, और आपका बच्चा ना स्कूल जा रहा है, ना आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, ना आपका बच्चे के पास रोजगार है, ना आपका बच्चा कमाने के लिए सोच पा रहा है, आपका बच्चा बेरोजगारी की इस स्थिति में है कि उस धर्म का अफीम चटाकर गलत रास्ते पर भटकाने का काम कर रहे हैं। और जब जेल जाना होगा, जब फांसी चढ़ना होगा, जब सज़ा मिलेगी, जब कानून कोई संज्ञान लेगा, तो उसकी चपेट में सिर्फ और सिर्फ STSC OBC के बच्चे आएंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान के दंगे से दूर रहिए, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का पॉलिटिकल स्टैंड है। कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई राष्ट्र खतरे में नहीं है। असल में हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जो भाजपा के चाटुकार, भाजपा की भाषा बोलने वाले, असंवैधानिक मूल्यों पर चलने वाले हैं, जो संविधान की बात करता है, जो संवैधानिक दायरे में रहकर अपने लिए अधिकारों की बात करेगा, उसका ना अधिकार खतरे में है, ना धर्म खतरे में है, ना शिक्षा खतरे में। इसलिए आप लोगों को तय करना होगा आपके लिए क्या जरूरी है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।